काफी अच्छा यस हेलो, आवाज आ रही है? इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? स्टार्ट कर दो। कितने लोगों ने मॉक नहीं दिया है इस क्लास में? कितने लोगों ने मॉक नहीं दिया है? एक बार नो लिखना।
आयुषी, सोनल, रवि। रवि क्यों नहीं दिया? सॉरी सर, ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा हो गया ऑफिस? सर। कौन सा ऑफिस? अरे ठीक सर, आप क्या बताऊं, डीएम में बताऊंगा। चलो है ठीक। मॉक में जो डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन था, कितने लोगों ने किया था? ठीक है, सिर्फ एक ने किया था। ठीक, बाद में किया कीर्ति, लेकिन तब भी आंसर शायद गलत आया था ना, या चेंज किया उसको फिर? चलो वो सेट मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अलग क्लास में करूंगा उसको, तीनों मॉक का एक साथ करूंगा, बचा हुआ है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? एक तो अच्छा, आपसे हर क्वेश्चन में ना, जब स्टार्ट करोगे तो टाइमर लगा लेना खुद के फोन में, एंड खुद ही बता देना मुझे आंसर के साथ कि सर इतना टाइम लगा मुझे। ठीक है, तो कैसे करना है? कीर्तन करा रहा हूँ, कैसे करना है बताता हूँ।
देखो सबसे पहले इसमें टेबल इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लो। इन द बिलो चार्ट ये बार ग्राफ है, ठीक है। इसमें सेविंग्स, फूड, एजुकेशन, बिल्स और मिसलेनियस का डेटा गिवन है, ठीक है। मनोज और रितेश दो लोग हैं, तो मनोज इधर है, ब्लू वाला मनोज का डेटा है एंड रितेश का रेड वाला डेटा है, ठीक है कीर्तन। एंड यू हैव टू स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें दे रखा है सैलरी ऑफ मनोज इज दिस 148 एंड सैलरी ऑफ रितेश इज 196, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल सा दे रखा है मुझे टोटल सैलरी। उसमें से देखो तुमसे पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मतलब 22%, 22% किसका होगा कीर्तन? मनोज का होगा, समझ आ रहा है? ब्लू वाला, तो इसका 22% राइट। तो 22% ऑफ 148,000 माइनस उसके बाद किसका है? अच्छा फूड एंड एजुकेशन बाय मनोज एंड रितेश इन द सेम कैटेगरीज, ठीक है। मतलब कि फूड और एजुकेशन का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो एडुकेशन पे इसका 22 था, फूड पे 33 था, तो ऐड करके 55 एक साथ ले लूं क्या? समझ आ रहा है? रितेश की बात हो रही है ना, पहले मनोज का है, तो मनोज का देखो 22 और 33 है, इसका 18 और 40 है, तो इसका हो जाएगा 58%। बट 58% ऑफ 196,000। यहां तक किसी को डाउट? इसका मुझे डिफरेंस निकालना है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है सबको। इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही किया है ना सबने, जिनका आंसर आया है यही करा है। यस और नो? ठीक है। अब देखो इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, मैं अब तीन टाइप के लोग होते हैं, मैं बताता हूँ कि तीन टाइप के लोग कौन होते हैं। सबसे पहले टाइप के लोग होते हैं जो सबसे पहले 22% निकालेंगे, फिर दे विल कैलकुलेट 33%, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो उनके कैलकुलेशन में वन कैलकुलेशन, टू कैलकुलेशन एंड थर्ड कैलकुलेशन इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट टू कैलकुलेशन, और मैंने उसी को एक कैलकुलेशन में रिड्यूस कर दिया इसको। समझ आया तुम्हें आदित्य? तूने ऐसे किया है ना। यस सर। अब मैथ देखो, मैथ क्यों मतलब कंसेप्ट सिंपल सा है, लेकिन अलग अलग बच्चों का अलग अलग मार्क्स क्यों आता है? क्योंकि स्पीड अलग होती है। तुमने यहाँ पे तीन कैलकुलेशन करे हैं और इसमें भी तूने तीन करे होंगे। तूने पहले निकाला होगा इसका 18% ऑफ दिस, फिर निकाला होगा 40% ऑफ दिस, फिर उन दोनों को ऐड करा होगा, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे कर लिया, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप का बच्चा आदित्य। आदित्य तुमने कुछ करा है क्या? आदित्य आ रहा है, तुमने कुछ करा है? समझ आ रहा है? यस और नो टाइप कर दो। आ रहा है समझ? ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन बच्चों का जो वीक होता है ना, अब जो अगर मान लो ऐसे करेगा 55/100 इनटू 148,000, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेगा? दो हटा देगा, फिर 55 × 148 करेगा, फिर इसको निकालेगा पूरा, ठीक है। मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ बच्चे क्या क्या करते हैं। इसमें क्या करेगा? 196,000, इसका भी दो जीरो उड़ाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको इसमें? लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करूंगा। ध्यान से सुनना, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? जैसे इसके लास्ट में आएगा जीरो, इसके लास्ट में भी आएगा जीरो, ठीक है। अब जीरो सबके लास्ट में है तो कोई फायदा नहीं हुआ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। कितने लोगों को वो रूल याद है, डिजिटल सम वाला रूल याद है? अप्लाई करा है डिजिटल सम यहाँ पे? अप्लाई करा है क्या किसी ने? अप्लाई करा है? देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू बड़ा है तो साइन चेंज कर लेना, क्योंकि ये वाला ज्यादा है ना, ये वाला ज्यादा है तो इसमें इसको घटाना है, ठीक है। लेकिन यहां तक सबको क्लियर है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट? अब मैं यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। डिजिटल सम क्या होता है? इसका सम है 10, 10 को वापस ऐड करोगे तो आ जाएगा 1। इसका सम है 13, 13 को वापस ऐड करोगे बन जाएगा 4, ठीक है। माइनस में ये है, इधर देखो इसका सम है 13, दिस इज 4, मतलब डिजिटल सम क्या होता है, इनके डिजिट्स को ऐड कर लो तो ये बन जाता है, और यहाँ पे क्या बनेगा? 7। समझ आ रहा है सबको? तो 7 × 4 = 28 माइनस दिस इज 28 माइनस 4 इज व्हाट? 24। 24 का डिजिटल सम होता है 6। अभी मैंने ज्यादातर लोगों का आंसर देखा है ये ऑप्शन, इसका देखना ऐड करके 6 है क्या राघवेंद्र? इसका 6 है क्या डिजिटल सम राघवेंद्र? यस सर, मतलब मेरे को सिक्स।
और किसी का देखो सिक्स है क्या, सिक्स है क्या, 8 4 12 5 17 2 19, इसका सिक्स नहीं है, 8 6 14 2 16 3 19 का 10 हो जाता है वापस, इसका भी सिक्स नहीं है, 8 4 12 9 21 2 23 इसका भी सिक्स नहीं है, 13 5 18 3 21 इसका भी सिक्स नहीं है। अब किसी ने भी पूरी क्लास में किसी ने भी ये मेथड यूज नहीं करा, मैं एग्जाम में इसको ये मेथड से करता, मतलब मैं ये सब लिखता भी नहीं, मतलब सीधे इसका ये करता, इसका ऐड करता, इसका ऐड करता, इसका ऐड करता, मतलब मेरा कैलकुलेशन एग्जाम में होता 4 एडिशन एंड 1 सब्रैक्शन खत्म। कितने लोगों को बिल्कुल हवा नहीं लगी, अदिति आर्य के अलावा और कोई बच्चा है जिसको हवा नहीं लगी? सर 58% ऑफ ऑन, उसके बाद का फिर से समझा सकते हैं एक बार? कौन था ये, आस्था? नो सर, तनु। तनु तुम डिजिटल सम वाले क्लास में थे क्या? मैं तीनों क्लास में मैंने सर, बताया डिजिटल सम के पहले वाला आपने क्या किया, मतलब कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। 55% जो निकाला ना उसके बाद आपने इनटू किया या क्या किया वो बस वही कॉन्सेप्ट ही है। चलो देखो तनु, देखो इसमें क्या किया मैंने, मुझे निकालना क्या था, मुझे मनोज और रितेश का ना डिफरेंस निकालना था एजुकेशन और फूड पे। तो एडुकेशन पे देखो इधर एडुकेशन इधर फूड है, तो मनोज का देखो 33 यहाँ है 22 यहाँ है, तो 55% हो जाएगा ना, लेकिन 55% किसका, मनोज का ये है तो उसका, समझ आ गया? Yes, sir. और रितेश का कितना होगा, रितेश का 18 और 40, दैट इज 58%, लेकिन 58% किसका, रितेश का। अब इन दोनों को निकाल के मुझे डिफरेंस लेना था, ये ज्यादा बड़ा है इसमें प्लस साइन लगाओ, इसमें माइनस साइन लगाओ, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे। उसके बाद मैंने सिर्फ कैलकुलेशन बताया, इसको लिखने में एग्जाम में ना 10 से 15 सेकंड लगेगा इसको इंटरप्रेट करने में, एंड फिर डिजिटल सम अगर मैं लगाऊंगा तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हो सकता है 30 से 40 सेकंड लगे, ये मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे में और ज्यादा टाइम लग सकता है, समझ आ गया सबको ये ट्रिक? आयुष तुमने पूछा डिजिटल सम कहाँ पे लगता है, जब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन होते हैं ना वहां पे लगा सकते हैं, एंड ऑप्शंस में देखो सारे यूनिक ऑप्शंस हैं, वैसे भी सिक्स निकाल लिया ना, मान लो दो का भी अगर सिक्स होता है एटलीस्ट मैं एक तो तीन तो एलिमिनेट हो जाते हैं ना मेरे, वैसे तुम्हारे एग्जाम में चार ही ऑप्शन होते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, किसी ने लेकिन लगाया नहीं, कोई लगाता तो मैं खुश होता अभी, किसी ने नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ स्क्रीन पे। अच्छा इसका मल्टीप्लीकेशन भी मैं सिखा देता हूँ, इनकेस डिजिटल सम नहीं दिखा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका 55% है, तो 55% मतलब हाफ प्लस वन, मतलब 55% को हम कैसे निकालते हैं, 50% प्लस 5%, 50% क्या होता है अदिति, सीधे इसका आधा होता है, 50% मतलब आधा, तो आधा निकाल लो 7 4 000, एंड 5% कितना हो जाएगा, 10 हटा देंगे, समझ आ रहा है क्या, 5% मतलब 10%, 5% में 10 कम है ना, तो 10 उड़ा दो बस खत्म है, समझ आ गया सबको? इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना बच्चों की तरह, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना बिल्कुल भी, ये सेकंड टाइप के बच्चे हो गए, ठीक है। तो 0 0 4 1 81 4, अब इसको निकाल लेते हैं 58% कैसे निकालेंगे, 58% के लिए सबसे पहले इसका आधा ले लो 50%, आधा कैसे निकालेंगे इसका 9 8 0 0 0, अब आधा के बाद हम क्या करेंगे ना 10% ऐड कर देते हैं, समझ आ रहा है सबको, 10% मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज 60%। अब मैं 2% घटा दूंगा, 2% कितना होगा इसका, 2% होगा 1760, ठीक है, सॉरी 1960, समझ आ गया सबको ये चीज, यस और नो? दिस इज 50%, दिस इज 10% एंड दिस इज -2% टू गेट 58%, मतलब ये बेटर है किससे, इस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, क्लियर है सबको? सर 1% हुआ ना 1960, 2% गलत निकाला 3920, सॉरी सर, अच्छा मैंने इसको 1% मान लिया, 2% क्या हो जाएगा 3920, ठीक है, हाँ ये 1% है, इसका डबल लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, 1% क्या होता है, किसी भी चीज का 1% मतलब 20 उड़ा दो, ये 1% मैंने लिख दिया है, इसको मुझे क्या करना होगा 2%, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा इसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो, इस वाले के लास्ट में 0 आ रहा है, इस वाले के लास्ट में 0 आ रहा है, इसके सेकंड लास्ट में भी 0 है, इसके सेकंड लास्ट में क्या होगा, 8 होगा क्या,
एट होगा ना? वैसे इन तीनों के सेकंड लास्ट में एट है, मतलब ये सेकंड लास्ट डिजिट में चेक कर रहा था लेकिन तीनों के लास्ट में एट 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 है। चलो ठीक है, ये सारी चीजें ना इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बता दी एक ही क्वेश्चन में, तो ध्यान में रहना चाहिए। मतलब मैंने ये सब पहले भी बता रखा है, मैंने दोबारा तिबारा बताया, थ्राइस बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सब लोग टाइमर स्टार्ट करो, पहले सब लोग टाइमर स्टार्ट करो, स्टार्ट करो जल्दी टाइमर फोन में, फिर मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाऊंगा। कर लिया? चलो अब करो, आंसर के साथ टाइमर भी लिख देना अपना। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? खुशी टाइमर नहीं लिखा तुमने, टाइमिंग साथ में लिखना था। बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, नुपुर दो लोगों का आंसर आ चुका है ऑलरेडी। आयुषी 1 मिनट, आयुषी चौहान और एक स्टूडेंट थी आयुषी राजपूत, दोनों सेम हो गया, वो आती नहीं क्लास में इसलिए। राघवेंद्र, आयुषी ने तेरे से पहला आंसर दिया, उसका टाइमर है 1 मिनट 34 सेकंड, तूने उसके बाद आंसर दिया, तेरा टाइम है 1 मिनट 4 सेकंड। लेट स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं किसी को माइक पे बुलाता हूँ। गरिमा माइक पे आ सकते हो? हर्ष, हर्ष दगाले माइक पे आ सकते हो? यस सर। ये जो परसेंटेज लिखा है इसको, इसका कोई फ्रैक्शन पार्ट होता है तुम्हें पता है? मतलब इसका फ्रैक्शन कुछ होता है। सॉरी, जैसे 12.5% होता है ना, दिस कैन बी रिटन एज 1/8, 25% कैन बी रिटन एज 1/4, व्हाट इज दिस? This can also be written in the form of 1 by n something. What is n? नहीं पता? 1/7 होता है। अब देखो, अगर तुम्हें ये पता होता हर्ष तो तुम बहुत जल्दी कर लेते ना, 1/7 पता होता तो relatively fast होता ना क्या? तो ये टेबल याद कर लो। ठीक है सर। अभी तुम्हारे क्रैश में परसेंटेज की क्लास नहीं हुई है ना? चलो ठीक हो जाएगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं। इफ रितेश वांट्स टू इंक्रीज हिज सेविंग्स बाय 14.28%, तो इसको ये गंदा सा परसेंटेज है, ये 1/7 होता है। मतलब कि
जैसे कि 100 मान लो कि किसी का सैलरी 700 है, तो 1/7 इंक्रीज करना है, मतलब 100 इंक्रीज करना है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो इफ रितेश, तो रितेश ये बंदा है, रितेश ये है, देखो ये 7 का मल्टीपल है क्योंकि 14 का स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये 7 का मल्टीपल है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्स। अच्छा, तो इसका बिल्स में जो रितेश की बात हो रही है, राइट, तो रितेश का बिल्स में खर्चा है 12%, तो 12% वो ऑलरेडी यहाँ पे खर्च कर रहा है, मतलब कि 12% ऑफ 196 जीरो, दो जीरो मैंने मेंटली उड़ा दिया, समझ आ रहा है ना, इसके पीछे दो जीरो मैंने इसके परसेंटेज से उड़ा दिया, तो ये जो उसका खर्चा है किस पे, दैट इज ऑन बिल्स, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि रितेश को अपना सेविंग इंक्रीज करना है 1/7 से, तो इसका 1/7 कितना होगा, 196 का 1/7, बोर्ड्स का पेपर होता तो मैं इसको आराम से ऐसे शो करता कि ऐसे निकालते हैं मैम, लेकिन अभी मैं इसको मेंटली करूंगा यहीं पे, 7 2 14, ठीक है, 7 8 56, 30, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है ना, ये मैंने करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखने में, लिखने के भी 2 सेकंड सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसने, इसका मतलब है कि उसको अपना सेविंग जो है ना, ही हैज टू इंक्रीज हिज सेविंग्स बाय 28,000 रुपीज, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सेविंग इंक्रीज करना है, अगर मुझे अपना सेविंग इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर मेरी सैलरी कॉन्स्टेंट है, अगर सैलरी इंक्रीज कर जाती है तो सेविंग इंक्रीज हो सकती है एक्सपेंडिचर को सेम रख के, समझ आ रहा है ना। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं, अगर मुझे अपना सेविंग बढ़ाना है एंड सैलरी मेरा बढ़ गया, तो हो सकता है मेरा खर्चा सेम रहे फिर भी सेविंग बढ़ सकता है, लेकिन अगर मेरा सैलरी कॉन्स्टेंट है, ये नहीं बढ़ा है, तो मुझे अपना सेविंग कैसे बढ़ाना होगा, एक्सपेंडिचर को घटा के, यही करोगे ना, अपने खर्चे कम कर लोगे, यही क्वेश्चन में पूछा है कि इफ ही हैज टू सेव 28,000 मोर, देन ही हैज टू कट हिज एक्सपेंसेस बाय व्हाट परसेंट ऑफ द व्हाट परसेंट, ठीक है, उसमें बिल्स में पूछा है, मतलब समझ आ गया सबको यहाँ पे, क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 into 0, 12 into 6, 72, 7 कैरी हो गया, 12 9s 108 + 7 115, 11 कैरी हो गया, 12 ones 12 + 11 इज व्हाट, कितना होता है 33, समझ आ गया मेंटली कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, टेबल याद होना चाहिए इसके लिए, है ना। अब इसमें ऐसे लिखोगे, जितनी देर में तुम ऐसे लिखोगे ना उतनी देर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर टेबल याद है तो 12 into 0, 12 into 6, 12 into 9, 12 into 1 + 11, क्लियर है यहाँ तक सबको। 2 3 5 2 0 ठीक है, मैं 12 1s 22 कर लिया, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे सबको, क्लियर है 23। तो इसमें पूछा है कि इसको अपना सेविंग को बढ़ाना है इतना, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्स, तो इसका बिल्स तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, ये कैसे बचा है। हाँ बोलो, सेविंग्स 25% होगी ना एक्सपेंडिचर की, वो जो ग्राफ में है उससे वो 7000 और इंक्रीज। हाँ, ये यहाँ पे ग्राफ में द सैलरी ऑफ मनोज इज दिस, अब ये ग्राफ किस चीज का है, ये सेविंग्स है ना, से 25% की उसमें गिवन है, एक सेकंड रुक जाओ, ये कहाँ पे गिवन है 25%, द फर्स्ट, तभी मैं सोच रही हूँ ज्यादा कैसे आ रहा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक सेविंग्स का ग्राफ गिवन है, तो मुझे 25% भी लेना पड़ेगा इसका, है ना, यस सर, 14,000, ठीक है ठीक है, ये टोटल सैलरी था इसका, दिस इज द टोटल सैलरी, ये टोटल सैलरी है एंड उसमें से सेविंग्स 25% ही है, मतलब इसका भी 1/4 लेना पड़ेगा, समझ आ गया, मतलब कि एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी गलती हो गई, 25% मतलब सेविंग इसका 49 होगा, है ना, यस सेविंग 49,000 है, मतलब कि ये इसका टोटल सैलरी है, अब इसको सेविंग इससे बढ़ाना है, तो ये जो चीज है ना, दिस विल बी 7,000, है ना, ठीक है, इसको मैं हटा, गलती समझ आ गई सबको, गलती क्या हुई इसमें, ये टोटल सैलरी है, इसमें से पर सेविंग्स बढ़ाना है, तो सेविंग्स का ग्राफ ये है, ये फूड का है, ये एडुकेशन का है, बिल्स का है, ये मिसलेनियस का है, मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर है और ये अकेला सेविंग का ग्राफ है, तो सेविंग 25% थी, तो सेविंग को 7,000 बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको ना एक्सपेंडिचर कितना घटाना होगा, तो 7,000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा खुशी, यही आएगा, हां सर, 23520, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इनटू 100, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मेरे ऑप्शंस क्लोज नहीं होते तो मैं कैसे करता, 23
23 होता है लगभग 69, तो दिस इज समथिंग क्लोज टू 30%, बहुत ज्यादा क्लोज है. अब 30% के क्लोज में देखो ये भी है, लगभग सारे ही है, मतलब तो ये ऑप्शंस बहुत क्लोज है, तो इसको मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होगा. समझ आ रहा है? तो मैं 10% रूल यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. इसका 10% होता है 23, इसको मैं उठा देता हूँ. इसका 10% कितना होगा? 235, ये होगा इसका 10%. समझ आ रहा है? 20% कितना होगा? 4, इसका डबल कर लो 4. एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि वैल्यूज बहुत क्लोज है. 4704. 30% कितना होगा? इसको थ्राइस करो, 3 2 6, 3 5 15, एक बच गया 0, एंड एक और बच, 3 2 6, सॉरी एक और कैरी हुआ ना, 7056. तो आंसर मेरा कितना कम है 30% से, मतलब 30% से बिल्कुल थोड़ा सा कम है, 56 कम है, मतलब मुझे 56/2352 निकालना पड़ेगा. समझ आ रहा है सबको अभी? तो 56 जो है ना, इसका अगर देखा जाए तो 1% से भी छोटा है. 1% होगा इसका 1% नहीं, 2% के लगभग, है ना? समझ आ रहा है सबको? डिनोमिनेटर में ये है, एक सेकंड, दिस इज इन डिनोमिनेटर पूरा, तो 0.1% है 23, तो ये 0.2% के, 0.3% और 0.2% के बीच में है. तो आंसर होगा, इसमें भी बहुत ज्यादा क्लोज है, चैनपुर यही कह रही थी. तो ऑप्शन जो है ना, बी और डी में से कोई एक आंसर है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बी या डी में से कोई होगा, ये क्लियर है सबको? तुम्हारे एग्जाम में इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होंगे, पहले बोल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लोज है ये, मतलब 29.7 और 29.6 फिर भी समझ आता है. इसमें फोर्थ प्लेस सेम है, मतलब फोर्थ प्लेस पे डिफरेंस है. क्लियर है सबको यहाँ तक? बी या डी में से क्या आंसर किया सबने? सर, 1/express रूल कैन नॉट बी अप्लाइड. नहीं, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे. मुझे अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इस क्वेश्चन को अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन ऐसे इंटरनेट से लिया था इसको, मुझे एक्चुअली वो समझाना था. कंसेप्ट इसका अच्छा है क्वेश्चन का, पर ये कैलकुलेशन बहुत गंदा है, तुम्हारे एग्जाम में इतना क्लोज नहीं आएगा. ठीक है, कभी नहीं आएगा. क्लियर है सबको? अब इसको, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए यूजफुल कैलकुलेशन नहीं है. ठीक है, करने को तो मैं कर दूंगा, लेकिन वही टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. इसमें एग्जैक्ट डिविजन देखना कैलकुलेटर से क्या आंसर है. बी या डी क्या आंसर है? और बी. बी है, ठीक है. मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा एक मिनट में, पता नहीं कैसे किया राघवेंद्र, कैसे किया एक मिनट में तूने? तो मेरे से नहीं होता. हाँ बता रहा हूँ मैं इसको, जैसे आपने लिखा ना 56 को, आप 56 को क्यों सॉल्व कर रहे हो? आगे जीरो लगा दो 56 के, बाद में पॉइंट शिफ्ट कर देना था तो. अरे फिर भी यार ये देखना, 76 है या 75, इतना क्लोज है ये, हो जाएगा. हाँ बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब ठीक है. चलो ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? कैलकुलेशन को जाने दो अभी, कंसेप्ट क्लियर है नादिया पूरा? अगर मैं तुम्हारे मॉक में भी ये क्वेश्चन डालता हूँ ना, अगर ये ऑप्शन को मैं हटा दूंगा, इनमें से कोई एक हटा दूंगा, ये हटा दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा, ये हटा दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लोज नहीं दूंगा. ठीक है ना, ये वाला पार्ट समझ आया था सबको? मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था ये. सबसे पहले 10% निकाल लेता हूँ, 20% निकाल लेता हूँ, 30% निकाल लेता हूँ, तो मुझे दिख जाता है, मतलब अंदाजे से भी दिख जाता है, अप्रोक्सीमेशन से भी दिख जाता है कि ये 30% के क्लोज है, क्योंकि 23 3 69 होता है ना, तो 30% के लगभग क्लोज है ये. तो उतने में ही आंसर आ जाने चाहिए तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ना. ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, 29%, 32%, 45%, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए एग्जाम में. क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, अब इस पे कैलकुलेशन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि काम का नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ये वाला सॉल्व करो. तनु, कंसेप्ट क्लियर था ना लास्ट क्वेश्चन का? यस सर. जो कैलकुलेशन काम के नहीं होंगे ना, वो मैं बता दिया करूंगा, काम का नहीं है. ठीक है, तो इसमें ये इजी क्वेश्चन है.
डिजिटल सम लगाया है क्या इसमें? ओरली हो जाएगा ठीक है ना, जो लोग डिजिटल सम लगाएंगे ना पेन भी, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, बिना पेन चलाए बताऊंगा, फिर मैं पेन चला के भी बताऊंगा। आयुषी तुमने पूरा कैलकुलेट करा है, लेकिन पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है। किसी भी डीआई सेट में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में से हो सकता है 4 क्वेश्चन बहुत इजी हो, 1 क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत गंदा हो ठीक है, या फिर हो सकता है 3 क्वेश्चन वेरी इजी हो, 2 क्वेश्चन का कैलकुलेशन गंदा हो। तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में, 4 तो कर लिए आराम से, और 1 में भी ना जो मान लो बहुत ज्यादा क्लोज है तो तुक्का लगा देना चाहिए ठीक है ना, मतलब 1 नेगेटिव हो जाएगा और मिल गया तो अच्छी बात है, मतलब 2 तो ऑप्शन जनरली 2 में ही क्लोज होते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है इन केस। चलो कहां पे थे हम, सबसे पहली बात तो यहां पे देखो रितेश का 196 है, अदिति तुमसे सॉल्व हुआ ये, कौन सा ऑप्शन है, ए या सी कौन सा है? ठीक है तो इसमें देखो मैं पहले डिजिटल सम से एक बार ओरली बता रहा हूं, तो मैं पेन नहीं चलाऊंगा ठीक है, कैमरा ऑन कर लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है तो इसमें सबसे पहले देखो मैं इसमें रितेश का मुझे निकालना है, तो रितेश का एडुकेशन पे निकालना राइट दोनों का ही ठीक है, तो एडुकेशन पे देखो रितेश का जो है ना, रितेश का जो बार है रेड वाला 18% मतलब 9 को मैंने ऐड कर लिया, 9 इंटू मुझे क्या करना है, 9 इंटू मुझे क्या करना है रितेश का है 961, तो इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 15 और एक 16 मतलब 7, तो 97 से 63 समझ आया, 63 को वापस ऐड कर लूंगा तो 9 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या मैंने क्या बोला, क्लियर है तो एक बार लिख दो, मैंने लिखा नहीं है कुछ स्क्रीन पे, 961 ऐड करा और उसको मल्टीप्लाई करा है, मुझे 18 से करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करा ठीक है, क्लियर है सबको ठीक है। तो मैंने वापस बताऊं, देखो सर वापस बताना हर्ष, देखो इसमें ना मुझे 196,000 का 18% निकालना है एंड फिर 148,000 का 22% निकाल के उसका डिफरेंस लेना, ये चीज क्लियर है तुम्हें हर्ष? हर्ष ये चीज क्लियर है ना? हाँ सर। तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने इसको कैलकुलेट ही नहीं करा, मैंने क्या करा ना एक डिजिटल सम वाला ट्रिक होता है उसमें क्या करना होता है ना, बस तुम डिजिट्स, अभी मैं इसको लिख के भी समझाऊंगा रितेश, अभी जिन बच्चों को समझ आ गया ना उनको मैं बता रहा हूँ कि बिना पेन के कैसे करते हैं ठीक है, फिर मैं लिख के दोबारा बताऊंगा समझ आ जाएगा ठीक है ना। तो अभी देखो 196 था ना उसको ऐड करा मैंने तो 16 आ रहा है ठीक है, 16 को वापस ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा, समझ आ गया हर्ष? हाँ सर समझ। और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन 18 है तो 18 का सम होता है 9, 63 हो गया ना, 63 वापस ऐड कर दो 9 हो गया, तो ये हो गया रितेश का, क्लियर है ठीक है। अब इसका देखो इसका क्या नाम है, मनोज का 2+4 हो गया और इसको ऐड करो 8, 4, 12 and 1, 13 मतलब हो गया वापस 4, 4, 4 = 16 का सम होता है कितना 7, क्लियर है। अब अंदाजे से मुझे पता चल रहा है कि 2 लाख का 18 ये लगभग 36 मतलब ऑब्जर्वेशन से 2 लाख इंटू 18 लगभग ये जो है ना 36,000 से थोड़ा सा, ये वाला जो है ये 22 × 15 कितना होता है 22 × 15 = 33 होता है, तो ऑब्वियसली बात है रितेश का ज्यादा है, मतलब अंदाजे से दिख रहा है, समझ आ रहा है हर्ष? 18 × 2 होता है 36,000 कुछ, उससे थोड़ा सा कम है, 22 × 15 इसको 50 मान लिया मैंने, वो लगभग 33 होता है, तो ऑब्वियसली बात है रितेश का ज्यादा है, तो 9 - 7 होता है 2, तो आंसर का डिजिटल सम कितना होगा 2, देखो ध्यान से 7 + 2 + 2 11 का 2 ही होता है, ये भी 2 है लेकिन मनोज ज्यादा नहीं है रितेश ज्यादा है और यहाँ पे 9 है, तो ये तो गलत है, समझ आ गया, बिना पेन के क्वेश्चन में एग्जाम में कर देता। अब मैं पेन चला के बता रहा हूँ ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गया डब्ल्यू लिखना विदाउट पेन? देखो हमें प्रॉपरली सॉल्व करना था दिस इनटू 18% माइनस 148,000 इनटू 22%, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना तो भाई 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा ठीक है, तो इसी को मैंने क्या किया था ना हर्ष, इसको उड़ा दिया था मैं डिजिट्स को ऐड कर रहा था, इसका 9 है सम, इसका 7 है 63, फिर से इसको ऐड कर दो 9 हो जाएगा ठीक है, इसका 4 है
इसका भी 4 है, 8 4 12 प्लस 1 13 का वापस 4 होता है, तो 4 4 का 16, 16 को वापस ऐड कर दो 7, अभी समझ आ गया। इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं हर्ष डिजिटल सम बोलते हैं। डिजिटल सम मतलब कि डिजिट्स को ऐड करके ही हमें दिख जाता है। अवंतिका नाम की एक लड़की है, उसने मुझसे बोला था सर इसका डेरिवेशन बताओ, मैंने इसका डेरिवेशन आज तक नहीं बताया है क्योंकि कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, अवंतिका क्या होनी चाहिए कुछ चीजें, राज राज तेरी, चलो क्वेश्चन करो सब लोग। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, सेकंड लास्ट, ये भी मेरे हिसाब से इजी होगा, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का कैलकुलेशन घटिया था, बाकी सारे इजी थे। सर आपके तरफ कैसा मौसम है, इधर बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया। अदिति आ रही है, आपको समझ आ रहा है क्या? हम अनन्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, डिवीजन में डिजिटल सम काम नहीं आता, हर जगह वही लगाओ क्या, कहीं पे नॉर्मल भी कर लो। चलो देखते हैं। अच्छा ये सेट अब मैंने अभी करा दिया, जैसा मैंने पहले बता रखा है मैं खुद सॉल्व नहीं करता हूँ इस क्लास में लेने से पहले, तो ये सेट एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, एक्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस, वो अगर मैं खुद यूज करूंगा तो मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको ये कौन से टेबल से कटेगा, ये कौन सा लैंग्वेज है, KTSNG कैपिटल A। चलो इसमें देखो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिल्स। अच्छा लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कंप्लेन कराया कि मैं लास्ट क्लास में सर ने रिकॉर्डिंग चला रखी थी और बीच बीच में ऑन करते थे, बीच बीच में ऑफ कर देते थे। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिल्स एंड मिसलेनियस बाय रितेश एज दैट ऑफ मनोज इन द सेम कैटेगरीज। देखो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ये चारों ऑन बिल्स, बिल्स पे देखो 17 है और मिसलेनियस पे 8 है, तो टोटल 25 है। रितेश का नहीं सॉरी रितेश का 17 है एंड मनोज का, अरे यार ऊपर 17 का मल्टीपल होगा नीचे 25 का मल्टीपल होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता 25 का मल्टीपल, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों में से कोई आंसर है, ये 17 का मल्टीपल है क्या, 17 4 68 ये है, 17 4 68 ये नहीं है, हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ कितना सेकंड लगा, कुछ करा भी नहीं मैंने, कितने लोगों ने ऐसे करा था चैट में लिख लो, ऐसे ही ऐसे लिखना, ऐसे ही करा था सर। 25 कैसा आया, 25 कैसा आया, देखो 17 प्लस 8 मनोज का। अच्छा ओके सर। अनन्या ने लिखा लाइक दिस ओनली, उसने ये नहीं लिखा ऐसे, ठीक है।
अच्छा आई वॉज ट्राइंग. अनन्या समझ आ गया कितना इजी है? अदिति तुम्हें समझ आया मैंने क्या किया? देखो एक्चुअली में क्या था, डिजिटल सम लगाए बट वो लॉन्ग हो गया. जबरदस्ती हर जगह आप एक चीज सिखा दिया ना तो ये हर जगह लगाने लग जाते हैं बच्चे. एक तो जब मैंने बोला हर जगह नहीं लगता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में लगता भी नहीं है. तो लग गया. अब जहन तुम माइक ऑफ करो. लग गया. ऊपर अलग लगा, नीचे अलग लगाए, ऊपर का. अभी रुक जाओ. देखो एक्चुअली में कैलकुलेशन क्या था, एक्चुअल में कैलकुलेशन था 17% प्लस 8% 25% ऑफ 148000 एंड ऊपर क्या आता 17% ऑफ 196000. अब इसको मैं सॉल्व पहले मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ. काट दिया मैंने, फिर मैंने इसको काटा, इसमें 2 से काटेगा और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. 74 ये 2 से, वैसे 4 से डायरेक्ट काट देता हूँ. 4 से कटेगा 37 और ये कटेगा 49. अब और कुछ नहीं कट पाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, प्राइम प्राइम सारे नंबर्स इसमें, ये दोनों प्राइम है, ये दोनों कटेंगे नहीं. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 17 × 49 कैसे कट, 17 × 50 - 17 तो 850 - 833 ऐसे दिख गया. एक ही ऑप्शन में है ऊपर, दूसरा निकालने की अभी भी जरूरत नहीं है, पर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तो दूसरा भी निकालो बैठ के. नन ऑफ दीज है ना ऑप्शन में, इसलिए. तो 25 × 7 = 175 कैरी हो गया. 25 × 3 = 75 + 17 = 92. ये हो गया प्रॉपर मेथड, बट ये इम्प्रॉपर है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. प्रॉपर मेथड एग्जाम में क्या है कि 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है. अच्छा ये वाला कब गलत हो सकता है नुपुर, मुझे बताओ. ये जो मैंने 17 का मल्टीपल और 25 का मल्टीपल चेक करा ना, ये गलत कब हो सकता है बताओ मुझे. सर वो सैलरी अगर 17 के मल्टीपल, क्या वो टोटल सैलरी 17 के मल्टीपल हो नीचे वाली तो कट जाएगा. नहीं हाँ सही है, मतलब ये नंबर अगर 17 का मल्टीपल हो जाता तो ये हो सकता है कैंसिल ही हो जाता, समझ आ रहा है. पर वो नहीं था 17 का मल्टीपल, इसलिए मैंने ट्रिक लगाया है. सबको समझ आ गया, ये कंडीशंस भी पता होना चाहिए सबको. अगर ये 25 का मल्टीपल होता है तो हो सकता है ये कट ही जाता, तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि नहीं है. समझ आ गया हर्ष दगाले, समझ आ गया. और कौन कौन बच्चे हैं जो, प्रियांशी समझ आ रहा है, वनीश समझ आ रहा है सब कुछ, शॉर्टकट्स और लॉन्ग कट दोनों ही. रिप्लाई कर दो सब लोग. अब जन्मजय तूने लिखा, अगर प्राइम ना हो तो, प्राइम ना हो तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है. 3 का मल्टी मान ले कि मुझे दिख रहा है 8 ही दिख रहा है और नीचे 7 है, तो ये प्राइम नहीं है ना, इसका मल्टीपल भी हो सकता है. शॉर्टकट वाला प्लेलिस्ट है, शॉर्टकट वाला प्लेलिस्ट बनाओ क्या ऐसे. शॉर्टकट का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है सर, समझ आ गया ठीक है. ये दिव्यांग वनीश प्लीज रिप्लाई करो, समझ आ रहा है तो. रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी मुझे, मैंने बोल रखा है जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए ना मुझे मैसेज करोगे तो मिल जाएगा. 93 इस पे मत करना. अच्छा मेरा नंबर मैं लिखवाता हूँ थोड़ा साइंटिफिक मैथमेटिकल तरीके से. लिख पाओ तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, नहीं लिख पाओ तो नहीं मिलेगा. तो मेरा नंबर है 93 तो बता दिया मैंने. उसके बाद 8 का क्यूब है, ठीक है 8 का क्यूब है. उसके बाद क्या है नुकुर, 6 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर है, ठीक है. 8 क्यूब, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ठीक है. मैं हटा रहा हूँ इसको. चलो नेक्स्ट वाला सेट करते हैं, इजी है ये वाला भी, इजी था वैसे. स्टार्ट करो इसको. कुछ लोगों को ये क्वेश्चन याद भी होगा अगर करा है तो. कनिष्क मॉक वाला एनालिसिस अलग से करूंगा ना, उसका अलग से. मुझे तीनों मॉक का ही नहीं किया मैंने, मैं घर आ गया था इसलिए तीनों का ही करना है मुझे, एक साथ ही कर दूंगा. 9 क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना है ना. ये समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके सेंटेंस पढ़ो और उसको टेबल है ना डेटा को कॉपी पे लिखते रहो. दीदी मेरा नाम क्या है,
फोर पीपल हैव आंसर्ड मेल मेल वेल इन्फो समझ नहीं आ रहा मेल वेल अच्छा मेल वाले ठीक है ठीक है अपनी और कीर्ति तुम साथ में अटेंड करते हो आधा आधा टेबल बनाते हो क्या आधा तू बना ले आधा मैं बना लेती हूँ ऐसा कुछ चलो आई गेस 20 पीपल हैव आंसर्ड जिनमें से दो लोगों का आंसर 72 है बाकी का 108 है मैंने इसमें जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए थे इसमें ऑप्शंस भी रहेंगे एग्जाम में चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना इसमें टेबल बना इसको हम लोग केसलेट बोलते हैं ठीक है केसलेट ठीक है कीर्तन क्लास में है क्या कुछ समझ आ रहा है हाँ सर आंसर भी दे दिया अच्छा ये क्या बात है चलो ठीक है ऑन द ओकेजन ऑफ अ कल्चरल प्रोग्राम इन अ स्टेडियम देयर आर 400 आर्टिस्ट इन ऑल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन फोर डिफरेंट इवेंट्स अब चार इवेंट में 400 लोग हैं टोटल ठीक है 400 लोग हैं ये चार इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रामा अदिति आर्य देखते रहना टेबल कैसे बनाते हैं ड्रामा डांस स्किट और सिंगिंग ये चार इवेंट्स हैं इसमें 400 बच्चे हैं अब सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा होगा अब इसमें देखो मेल और फीमेल भी है तो इधर मैंने मेल फीमेल बना लिया ठीक है मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है तो इसको 2:3 में बांटते हैं 2:3 में कैसे बांटते हैं 400 को 2:3 में से मुझे बांटना है तो 2-3 होता है 5 तो 5 पार्ट है 400 के बराबर तो एक पार्ट होगा 80 के बराबर तो 80 दोने 160 एंड 80 × 3 = 240 तो टोटल मेल कितने हैं टोटल मेल है यहाँ लिख लेता हूँ 160 एंड टोटल फीमेल है 240 रेशियोज की क्लास चल भी रही है तो हो सकता है सबको समझ आ रहा होगा इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2/5 × 400 मतलब 2/टोटल 3/3+2 × 400 जैसे भी समझना है समझ लो लेकिन ये बहुत ही ओरली हो सकता है इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 25% ऑफ द फीमेल 25% ऑफ द फीमेल मतलब 240 है ना 25% ऑफ द टोटल मतलब इसका 25% 25% ऑफ द मेल मतलब इसका 25% ठीक है तो इसका 25% मतलब 1/4 होता है तो 1/4 मतलब 60 लोग 240/4 होता है 60 तो वो है ड्रामा में फीमेल की बात हो रही है ना ठीक है तो 60 इधर है 40% ऑफ द फीमेल तो 40% इसका होता है 24/4=96 वो होंगे डांस में तो अरे ये ड्रामा ऊपर था ठीक है आगे चलते हैं द रेशियो ऑफ मेल द रेशियो यहाँ पे हो गया द रिमेनिंग फीमेल आर पार्टिसिपेटेड इन स्किट एंड सिंगिंग इन द रेशियो 4:3 इसका मतलब हो गया कि देखो टोटल लोग कितने बचे हैं कितने फीमेल्स बचे हैं यहाँ पे हर्ष बताओ कितने फीमेल्स बचे हैं 96 और 60 156 इसमें घटाओ कितने बचेंगे ठीक है 84 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किस रेशियो में 84 डिस्ट्रीब्यूटेड है 4:3 में ठीक है 4:3 में स्किट एंड सिंगिंग तो 4:3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 4+3 होता है 7 7 × 12 होता है 84 तो 12 × 4 = 48 एंड 12 × 3 = 36 इसको करने का तरीका क्या होता है 4/7 × 84 ऐसे करके ठीक है ये हो गया मेरा कंप्लीट नेक्स्ट देखते हैं इजी सा कैलकुलेशन है नेक्स्ट इज व्हाट अब मेल का कंप्लीट कर लेते हैं द रेशियो ऑफ मेल हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा एंड अदर इवेंट्स टुगेदर मतलब कि ड्रामा एंड इन सबका टोटल 1:7 है तो 1:7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो 20 और 140 आएगा तो इधर 20 लोग हैं बाकी के 140 इधर है तो मैंने साइड में लिखा इधर गंदा नहीं किया 25% ऑफ दोज मेल आर्टिस्ट हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा मतलब कि इसका 25% 140 का वो सिंगिंग में है तो एक 140 का एक चौथाई मतलब 25% होता है 35 ठीक है द रिमेनिंग मेल पार्टिसिपेंट्स आर अच्छा इसमें 3:4 में कितने लोग बच गए 20 और 35 105 लोग बचे हैं राइट 105 लोग बच गए ना 140 में से 35 चले गए तो 105 बचे अब इसको डिवाइड करना है मुझे 3:4 में तो 7 15 3 = 45 एंड इधर हो जाएगा 60
समझ आ गया सबको कैसे डिवाइड हो गया, इजीली हो जाएगा ये, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कराया है, ये एक मिनट के अंदर पूरा टेबल ही बन जाएगा, बहुत इजी सा डेटा दे रखा है। नेक्स्ट अ क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु आर पार्टिसिपेटिंग ड्रामा एंड स्किट, तो ड्रामा एंड स्किट मतलब 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बार टेबल बन गया ना, अब बाकी के सारे क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे, बताओ आंसर। अब टेबल मेरा हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेल, सबने अपने कॉपी में बनाया है ना, नहीं बनाया तो बना लो जल्दी से, फिर आंसर देना, जल्दी से इसको बना लो। डिफरेंस बिटवीन मेल इन स्किट एंड फीमेल इन सिंगिंग, मेल इन स्किट एंड फीमेल इन सिंगिंग कितना होगा, मेल इन स्किट फीमेल इन सिंगिंग 24, ठीक है, इजी है, ठीक है ना, फीमेल इन सिंगिंग मेल इन डांस रेशियो निकालना है, फीमेल इन सिंगिंग मेल इन डांस। अदिति अभी समझ आ गया तुम्हें, दो लोगों का आंसर 72 आया था, एक अदिति थी और एक और कौन था, इतना सिंपल क्वेश्चन भी गलत करोगे क्या, दूसरा कौन था 72 वाला, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस गलत मत किया करो, ठीक है कशिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेल इन स्किट एंड फीमेल इन सिंगिंग, कर लेना बहुत इजी है, मेल इन स्किट एंड फीमेल इन सिंगिंग, तो मेल इन स्किट मतलब कि 40 60, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा क्या, अच्छा सॉरी सेम क्वेश्चन आ गया, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ फीमेल इन सिंगिंग, अब वो कर लेना ठीक है, बहुत इजी हो गया ये वाला, मैं नेक्स्ट सेट शेयर कर रहा हूँ। अदिति आ रहा है तुम्हें, क्लियर था क्या ये, ये वाला सेट मुझसे किसी ने डाउट पूछा था, सिमिलर सेट है केसलेट का, किसने पूछा था क्लास में हो क्या, जिसने भी पूछा था ये वाला सेट, सर मैंने, आदित्य तूने, नहीं सर कीर्तन, तूने डाउट पूछा था ठीक है, और किसी, सर ये तो पीडीएफ वाला है ना, हाँ हाँ उसी पीडीएफ वाला है, तभी मैंने पूछा किसका डाउट था ये सर, पर ये तो दूसरा क्वेश्चन है, तो फिर ये डाउट नहीं बोल रहे थे ठीक है, सर आपने बोला सिमिलर एंड, नहीं ये सेम टू सेम क्वेश्चन, किसी ने डाउट पूछा था मुझसे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए, आदित्य वैसे मजा नहीं आएगा, इतना सिंपल भी नहीं आना चाहिए, तो सभी लोग कर लेंगे ना, थोड़ा तो टफ हो, डाउट नहीं मैं दूर करता हूँ पीडीएफ, ये पीडीएफ जिनके पास नहीं है ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा, थोड़ा बड़ा कर दो, ये सेट नहीं करना है, मैं दूसरा सेट शेयर कर रहा हूँ, ये सेट ज्यादातर हाँ बोलो सर, इसी में DI 100 में 21-25 का ग्राफ समझा दीजिए एक बार प्लीज,
ये वाला 21 to 25, ये वाला हाँ, ये ग्राफ नहीं आ रहा, ये कर ही लो फिर ये क्वेश्चन सब लोग, जिन्होंने कर लिया वो जा सकते हो फिर, जिन्होंने नहीं किया रुक के ये क्वेश्चन ही कर लो फिर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए सर इसके बाद नहीं कराओगे फिर? नहीं नहीं नहीं, लास्ट सेट है, इधर भी नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है और वाईफाई वाला आया इंस्टॉल करने, तो नेट बंद करेगा वो, ऐसे भी मैंने उसको रोक रखा है थोड़ी देर। सर इंक्रीज कर दो। इंक्रीज करूं? हां सर, अब तो और छोटा कट गया। एक सेकंड, एक काम करता हूं मैं पीडीएफ भेज देता हूं, ठीक है कीर्तन? सर वो आपके दूसरे नंबर पे मैसेज करूं? अबे मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है तेरा। सर वो 93 वाला मैंने एक नंबर सेव किया है बस, कीर्तन भेज। और किसी के पास पीडीएफ नहीं है? और कोई है जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है? मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, मैं चैट में डाल देता हूँ, चैट में डाल देता हूँ, सबके पास आ जाएगा। प्रेरणा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी गलती है, वो तो कैसे शेयर होता है, फाइल होता था ना शेयर, यहाँ पे नहीं होता था। इसमें दिखा नहीं रहा, मतलब थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सर वहां पे फाइल का एक ऑप्शन है, थ्री डॉट्स के साइड में जो फाइल का है वो वाला क्लिक करना होता है। अरे मेरे में पता नहीं क्यों, मैंने इसमें शेयर कर रखा है, इस चैट में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे में आ रहा है क्या नादिया? तुम्हारे में आ रहा है? सर मेरे में ऑप्शन आ रहा है, लेट मी ट्राई। अब आ गया, अब आ गया, मैंने एवरीवन किया ना चैट में तो अब तब आया, ऐसे नहीं आ रहा था। ठीक है मैंने डाल दिया, देखो आ गया क्या सबके चैट में, बस सेंड हो रहा है। अभी मैं 2G पे क्लासेस ले रहा हूँ। हाँ अभी आ गया ना सबके पास, कर लो डाउनलोड। और इसका सेट नंबर 20, सेट नंबर ये 5 सेट होगा। आ गया अनन्या चैट में, देखो ऊपर। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। एक सेकंड, अनन्या व्हाट्सएप कर दिया तुमने। हाँ क्या बोल रहे हो कीर्तन? सर ये फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो समझा दो। फर्स्ट में तो क्वेश्चन है ही नहीं, जो स्क्रीन पे आ रहा है उसमें तो क्वेश्चन नहीं है ना, इसमें ये ग्राफ समझा दूं क्या? नहीं सर वो नीचे जाके क्वेश्चन है ना। ठीक है देखो, सबसे पहले मैं ग्राफ समझा देता हूँ एक बार सबको। देखो इसमें ना क्या दे रखा है, इसमें जो चीज गिवन है दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो 5-6 सब्जेक्ट हैं, 21% आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग संस्कृत, 32% आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हिंदी, 15% आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंग्लिश। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स का दे रखा है पाई चार्ट में। एंड बार ग्राफ में क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स इन बार ग्राफ। अच्छा मतलब ये टोटल स्टूडेंट, मतलब जैसे कि 32% बच्चे टोटल बॉयज गर्ल्स मिला के हिंदी पढ़ते हैं। एंड अगर सिर्फ गर्ल्स के ऊपर फोकस करूं, गर्ल्स का डेटा अगर देखूं, तो उसमें दे रखा है कि संस्कृत में देखो, जैसे कि संस्कृत में टोटल बॉयज जो है वो है 21, टोटल स्टूडेंट्स 21% इंटरेस्टेड है, लेकिन गर्ल्स कितनी है देखो, गर्ल्स देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये लाइन यहाँ तक गया है, तो दिस इज 15,
15-16%, तो 16% है। तो ऐसे ग्राफ जब जब डेटा गिवन नहीं होता ना, तो कॉपी पे जल्दी से लिख लिया करो, दिस इज 16% एंड दिस इज व्हाट 20 है डार्क वाला 22%, दिस इज 23% एंड दिस इज व्हाट डार्क वाला 10 है 12%, दिस इज 5, 6, 7, 8% एंड दिस इज व्हाट 20 से एक कम 19%। ये यहां तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है? मतलब कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को ये पसंद है, मतलब 16% गर्ल्स को संस्कृत पसंद है ऐसा। सर मैथ्स का परसेंटेज ही नहीं गिवन पाए चार्ट में। क्या मैथ्स का परसेंटेज नहीं गिवन पाए चार्ट में? गिवन पाए चार्ट में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये गर्ल्स का है। मैथ्स का नहीं दे रखा, मैथ्स का गिवन नहीं है ना सर परसेंटेज। जो रिमेनिंग है वो निकाल लो। तो नहीं दे रखा तो रिमेनिंग निकाल लो। 1500 होता है ना, टोटल इज 100%, तो सबको ऐड करके सबट्रैक्ट कर लो, निकल जाएगा, ठीक है? कितना आएगा बता दो। 13। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड है, ये आउट ऑफ टोटल गर्ल्स है या आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है या आउट ऑफ टोटल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में किसका है? क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 5:3 है एंड टोटल स्टूडेंट्स 48,000 है, ठीक है? तो 48,000 में से स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बॉयज 5:3 में डिवाइड करोगे, मतलब 48 को 5:3 में डिवाइड करना है, तो 5+3 इज 8 पोर्शन, 8 पोर्शंस रिप्रेजेंट 48, सो 1 पोर्शन विल रिप्रेजेंट 6, 5 इज 30,000 स्टूडेंट्स मेल हैं और 18,000 स्टूडेंट्स फीमेल हैं, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया है, तो 18,000 का ऐसे होगा शायद, 18,000 का 16%, 18,000 का 22%, ठीक है तृप्ति? क्लियर है अभी के लिए? मुझे यही लग रहा है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज मिनिमम। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकालना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट टू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड, ठीक है? तो सब पूछा है कौन से सब्जेक्ट का, तो साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, ठीक है? देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्टली परसेंटेज कंपेयर करने बोला है, तो संस्कृत के लिए परसेंटेज कितना है, टोटल स्टूडेंट्स का 21 है और गर्ल्स का कितना है 16 है, तो ये रेशियो है। हिंदी के लिए 32 है स्टूडेंट्स का और गर्ल्स के लिए कितना है 19 है, ठीक है? समझ आ रहा है सबको क्या निकालना है? हमें फ्रैक्शन कंपेयर करना है, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है इसमें? हाँ बोलो। सर वो ऊपर टोटल का 21 होगा ना और नीचे गर्ल्स का 16 होगा ना, वही पूछा है कंपेयर करने, 18,000 into 16, उस वही कंपेयर करने बोला है ना, उनसे पूछा क्या है वो पढ़ो। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? सॉरी पीडीएफ आया क्या वापस स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है हिमांगी, क्वेश्चन में वही पूछा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो एक बार। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका निकालना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, तो टोटल परसेंटेज जो ऊपर पाई चार्ट में वो अपॉन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो दे रखा है उसी का रेशियो पूछा, ठीक है? तो हमें डायरेक्टली वैल्यूज देख देख के हर सब्जेक्ट कंपेयर करना है और ये रेशियो कंपैरिजन का सवाल है, तो रेशियो कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तुम्हारे, तुम पीडीएफ खोलो इसको, ठीक है? देखो ये तो मैंने लिख लिया, सबसे पहले किसका लिखा था? संस्कृत था ये, इन्हें हिंदी था, साइंस का होगा 11 अपॉन, इधर साइंस का कितना है देख के जल्दी बताओ, 11 अपॉन 22। अच्छा हमें मिनिमम पूछना है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये वैल्यू 1 से बड़ा है ये आंसर नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा ये हाफ है, तो अभी के लिए सबसे छोटा साइंस वाला है अभी के लिए। समझ आ रहा है सबको? यस सर।
ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट साइंस हो गया मैथ्स का देखो मैथ्स का 13 था नीचे कितना है मैथ्स का 23 तो ये हाफ से बड़ा है राइट हाफ होता अगर 13 बाय 26 होता तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता अगर 13 बाय 27 होता ना तो ये हाफ से छोटा होता 13 बाय 26 से छोटा होता समझ आ रहा है अभी सबको नहीं आ रहा है तो लिख लो कॉपी में अगर डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज कांस्टेंट देन द फ्रैक्शन विद लार्जर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर मतलब कि इफ सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिखूं a by b upon और a by c इसको अगर मुझे कंपेयर करना है अगर b जो है वो c से बड़ा है तो फिर ये बड़ा हो जाएगा उल्टा क्लियर है सबको जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है ना वो फ्रैक्शन छोटा होता है मतलब अगर मैं 1/2 और 1/3 को देखूं ना तो 1/2 बड़ा होता है 1/3 छोटा होता है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है समझ आ गया सबको अदिति क्लियर है सबको क्लियर है चलो तो ये तो नहीं हो सकता आंसर 13/23 तो नहीं हो सकता ये हाफ से ज्यादा है राइट नेक्स्ट इज व्हाट इंग्लिश इंग्लिश में 15 अपॉन ये 1 से बड़ा हो जाएगा हाँ ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा लिखने की जरूरत ही नहीं है एक और क्या बच गया कंप्यूटर कंप्यूटर में देखो इधर 11 है अच्छा यहाँ पे 8 है इधर जो है 11 या 12 जो तो ये 2/3 है ये हाफ से बड़ा होता है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया साइंस वाला समझ आ गया सबको तृप्ति क्लियर है यस सर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तो ये इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कंप्यूटर गर्ल्स स्टडिंग इन यार टोटल गर्ल्स कितनी थी हमारी टोटल गर्ल्स थी तो हमें इसी ग्राफ से आंसर आएगा गर्ल्स कितनी थी आई गेस 18,000 इन दोनों कौन से दोनों सब्जेक्ट्स का पूछा है तो आंसर जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए एक मिनट रुक जाओ आंसर 9 का मल्टीपल होगा आई गेस सी आंसर आना चाहिए देख लेते हैं कौन से दो सब्जेक्ट्स का पूछा है कंप्यूटर एंड साइंस ठीक है तो कंप्यूटर में कितने परसेंट गर्ल्स हैं इंटरेस्टेड है 12% तो इसका 12% एंड साइंस का पूछा था यस सर साइंस में कितने परसेंट है 22% तो हमें जो है ना इन दोनों का डिफरेंस निकालना है समझ आ रहा है लेकिन इसको निकालो इससे अच्छा क्या है कि सीधे 10% का डिफरेंस दिख रहा है ना समझ आ रहा है सबको अगर मैं किसी चीज का 12% और किसी चीज का 22% निकाल के डिफरेंस निकालूं दैट इज इक्विवेलेंट टू 18,000 कॉमन ले लो 22 - 12 समझ आ रहा है सबको तो सीधे 10% ले लो क्लियर है ना तो 1.8 डायरेक्टली आ गया तृप्ति इजी है ना कैलकुलेशन इसका यस सर आदित्य दोनों मत निकाल देना ठीक है ना कि ये निकालिए फिर ये निकालिए फिर घटा सर मैंने कंबाइन करके निकाल है ना अगर मान लो 18,000 का ए परसेंट है माइनस 18,000 का बी परसेंट है तो हम क्या कर सकते हैं 18,000 कॉमन ले लिया और ए परसेंट माइनस बी परसेंट समझ आ रहा है ना यस सर अगर मैं बोलूं कि आदित्य और अदिति दो लोग हैं अदिति को 20% मिला है आदित्य को 30% मिला है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आदित्य को 10% ज्यादा मिला है डायरेक्टली क्लियर है आई गेस सबको समझ आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये इजी सेट है ठीक है तृप्ति एंड थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ ना तो मेरा इस वाला अजम्पशन से 18,000 उसका 12% जो भी था उससे मेरा आंसर मैच हो गया सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये सही है हमारा अजम्पशन ठीक है जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो ठीक है थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद करो थर्ड क्वेश्चन दो मैंने बता दिया आयुष 530 पे शायद था मेरे हिसाब से तेरे कितने मार्क्स है मॉक में आयुष चैट में लिखना कम आ रहे हैं तेरे आजकल रिपोर्ट्स के कारण तो मॉक नहीं अटेम्प्ट करा एनालिसिस देख लो गजब हो थर्ड क्वेश्चन करो सब लोग अभी नहीं गया है रुक जाओ बस लास्ट सेट उसके बाद बंद कर
चलो देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर एंड इंग्लिश टुगेदर. कंप्यूटर एंड इंग्लिश टुगेदर ठीक है, तो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश बॉयज टू डेथ ऑफ गर्ल्स इन संस्कृत एंड मैथ्स टुगेदर. ठीक है देखते हैं. पहले मैं गर्ल्स का निकाल लेता हूँ, संस्कृत एंड मैथ्स. तो गर्ल्स टोटल 18,000 है राइट, बॉयज टोटल 30,000. टोटल स्टूडेंट्स निकाल के गर्ल्स ही सब्ट्रैक्ट करूंगा. समझ आ रहा है? चलो तो दिस इज साइंस एंड मैथ्स राइट. संस्कृत मैथ है, साइंस मैथ था? संस्कृत मैथ. संस्कृत एंड मैथ में गर्ल्स जो है इधर को है कितनी, 16 एंड इधर है 23. तो टोटल 39% गर्ल्स है. 39% ऑफ व्हाट? 18,000. ठीक है तो ये मैं निकाल लेता हूँ. 39 × 18 कुछ भी आएगा, 180 आएगा. नीचे मैं ऐसे रखता हूँ. अच्छा नीचे जो आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा. एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ. 13 का मल्टीपल मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है. तो इनकेस मेरे पास एग्जाम में कम टाइम रहेगा ना तो मैं तुक्का लगा दूंगा. मतलब कम टाइम रहेगा तो मैं ये तुक्का लगा दूंगा. समझ आ रहा है? किसी ने सॉल्व करा है, यही आंसर आ रहा है क्या? समझ आया मैंने क्या किया? मुझे 13 प्राइम नंबर है ना, उससे मुझे आइडिया लग रहा है कि यार आंसर तो ये हो सकता है. तो मैं तुक्का लगाने के टाइम ये सोचूंगा. अभी के लिए मैं पूरा सॉल्व 17 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों में से कोई भी 17 का मल्टीपल नहीं है. तो ये तो कभी नहीं आ सकता, ये भी कभी नहीं आ सकता. 119 जो है 17 × 7 होता है, नहीं होता है? हाँ होता है. तो 17 के टेबल में आता है. तो ये तीनों आंसर्स एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी ऑप्शन यूज करके. अगर मेरा टेबल याद है ना तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें 17 का कोई मल्टीपल है ही नहीं. तो 17 का मल्टीपल कहां से बन जाएगा? समझ आ रहा है सबको? तो तीन ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए. मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं, पर नन ऑफ दीज है तो मैं करके दिखा रहा हूँ. समझ आ गया सबको? समझ आया? अब ये क्वेश्चन जो लोग पूरा करेंगे बोलेंगे कि सर लेंदी है, लेकिन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है. क्या हुआ? वापस समझाओ. देखो मैं क्या कह रहा हूं, नीचे जो है दैट इज 18,000 का 39%, वो तो इजी है ना इंटरप्रेट करना. गर्ल्स का टोटल 23 था, इधर 16 था, ऐड करके 39% आ गया. तो 39 और 180 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 का मल्टीपल किधर से आ जाएगा, 19 का मल्टीपल किधर से आ जाएगा. तो तीन ऑप्शन ऐसे ही उड़ गए. अभी समझ आया? अब ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो अब ये तुक्का नहीं रहा, अब ये कन्फर्म आंसर है. अब एग्जाम में नन ऑफ दीज नहीं रहता है तुम्हारे, अगर रहा तो फिर हम सोचेंगे. अब ये 100% कन्फर्म आंसर है. ठीक है चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ बॉयज कैसे निकालेंगे ऊपर का. तो नीचे क्या है 39 × 180, ऊपर क्या होगा ध्यान से देखो. अब बॉयज का हमें निकालना है कंप्यूटर एंड इंग्लिश. तो कंप्यूटर एंड इंग्लिश में गर्ल्स कितनी है? 12 + 8 है ना, 20%. 20% ऑफ 18,000 दैट इज 3600. ठीक है अब कंप्यूटर इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं. यहां से देखो कंप्यूटर में स्टूडेंट्स है 8%, इंग्लिश में है 15%. तो 23% ऑफ 48,000, उसमें मैं 36,000 को घटा 3600 घटा लूंगा तो बॉयज आ जाएगा. समझ आया हिमांगी? क्लियर है? यस सर. हिमांगी क्लियर है? मुझे बॉयज yes, का परसेंटेज नहीं दे रखा राइट. तो मैं टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स कर रहा हूँ. तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 23 × 0 = 23 × 8 = 160 + 24 = 184 ऐसा कुछ आएगा क्या? ये आएगा क्या? चेक करना एक बार. चेक करना एक बार कितना आएगा. 115 आएगा क्या? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? 23 × 8 = 184, 18 कैरी हो गया, 24 × 4 = 92. सर 1104. हाँ ठीक है 1104 ठीक है. एंड उसमें फिर मुझे 3600 घटाना है. ठीक है
048, ठीक है, 044 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, तो दिस इज 74400। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखो इसको मैं 6 से काटूंगा ना तो 124 दिख रहा था ना, वो आ जाएगा, 6 से काटो आ जाएगा, देखो 6 से कैंसिल आउट करो इसको, 6 वन्स आ, फिर 6 टूज आ, फिर 6 फोर्स आ, दिख रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गया ना, मतलब 100 मेरा आंसर मेरा सही है, क्लियर है, कैसे करेंगे तृप्ति, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बाकी पूरा मैं करता ही नहीं एग्जाम में, मैं मुझे यहीं से आंसर दिख गया था, ठीक है ना, इसको 6 से काटो, 6 थ्री जा 39, 3 जा 117 होता है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन खुद कर लेना, यहाँ बहुत ज्यादा आंधी आ रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडिंग इन मैथ्स एंड संस्कृत टुगेदर, कर लोगे संस्कृत और मैथ जोड़ के 48,000 का उतना परसेंट ले लेना, एंड हिंदी एंड साइंस टुगेदर, ये अच्छा ही तो डायरेक्टली हो जाएगा, मैथ संस्कृत स्टूडेंट्स टोटल ही है और इधर भी साइंस और हिंदी टोटल है, तो मैथ संस्कृत का परसेंटेज ऐड कर लो, कितना आएगा बताओ, मैथ संस्कृत का देख के बताओ ग्राफ में, पाई चार्ट से बताना टोटल स्टूडेंट्स का। थर्टी फोर ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, नीचे कितना है देखो, 43 है क्या हिंदी और साइंस का? यस सर। हो गया खत्म क्वेश्चन, बताओ इजी सेट है ना ये? Yes, अब इसमें दो ग्राफ देख के बच्चे डर जाते हैं जबकि बहुत इजी सेट है, ठीक है? Yes, sir, कर लेना बाकी इसका एक क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है फिर मैं एंड कर रहा हूँ, कर लेना इसको। थैंक यू सर। जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, मैं ग्रुप में नहीं डालता हूँ इसलिए।